ये देख लीजिए गाइस, व्हाट अ ब्यूटी। ये गाइस कुछ इस तरह से ये धर्मशाला थी यहाँ की। अंकल गाड़ी कौन चलाएगा? 10 बजे तो ट्रैक चालू होगा और शाम को 5-6 बजे तक हो जाएगा। अंकल ये आगे गाड़ी अलाउ क्यों नहीं है? अरे बड़ी वाली बस की व्यवस्था नहीं है ना, बड़ी बस की वहाँ छोटी जाती है, छोटी। यहाँ पे पानी की बोतल 30 रुपए की दे रहे हैं और यहाँ पे पानी की बोतल 30 रुपए की मिल रही है और बोल रहे हैं कि जब आप ऊपर जाओगे केदारनाथ तो वहाँ तो पानी की बोतल 100-100 रुपए की मिलेगी आपको। ज़्यादा यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं क्योंकि हमें आगे बहुत ट्रैवल करना है, तो वहाँ तक पूरा लंबा जाम लगा हुआ है इसलिए गाड़ी यहीं पे रोक दी है। अरे रे यहाँ से ये केदारनाथ 16 किलोमीटर है, वो भी पैदल चलने के लिए। ये अंकल सीधा जाएगा फिर रास्ता? सीधा सीधा रोड जाना ना। ये कौन सा आगे सोमटिया का आएगा? अच्छा ये कौन सा है? ये सीधापुर है। अंकल गाइस फाइनली अभी हम पहुंचे हैं ये सीतापुर और यहां से आगे इस बस को जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि सारे लोग पैदल ही जा रहे हैं और पैदल हमें जाना पड़ेगा सोनप्रयाग। और पुलिस वाले अंकल से पूछ तो, अंकल ये आगे गाड़ी अलाउ क्यों नहीं है? अरे बड़ी वाली बस की व्यवस्था नहीं है ना, बड़ी बस की वहाँ छोटी जाती है, छोटी गाड़ियाँ सब पार्किंग आगे है, बड़ी बस की पार्किंग है नीचे। बाइक लेके जा सकते हैं? बाइक भी जाती है, बाइक लेके अगली पार्किंग ना वहाँ रहेगी बाइक, वहाँ तक नहीं है, आगे तक आगे तक है। बरसात हो रही ना, बरसात पिछले दिन ना, पिछले दिन बरसात आ रहा ना, बरसात हो रही है अभी जो यहाँ तो बरसात, बरसात में सब नदी नाले हो रहे तो वही आ रहा, उसमें थोड़ा ज़्यादा है ना मिट्टी मिट्टी है, भले दिक्कत तो कुछ नहीं होगी, मिट्टी तो साफ है पर तब पीने का मन नहीं करता ना, इसलिए मैं तो बिस्लरी लेता हूँ, इसे बोतल से पीता हूँ। पूरा मोटा बिस्लरी लेता हूँ नानी बड़ी वही पीवन पानी कंप्लीट थोड़ी रहने से। गाइस गाइस ये देख लीजिए, यहाँ से नीचे जाएंगे तो वो बस की पार्किंग मिल जाएगी, वो नीचे यहाँ से बस की पार्किंग है। और यहाँ से अगर बाइक लेके जाए आगे, यहाँ से बाइक लेके जाए तो गाइस यहाँ पे पानी की बोतल 30 रुपए की दे रहे हैं, नीचे 20 रुपए में मिलती है, यहाँ पे मिल रही है हमें 30 रुपए की बोतल और यहाँ से हमें पैदल 30 रुपए की मिल रही है, जो कि यही पानी की बोतल, जो कि यही पानी की बोतल नीचे 20 रुपए की है। और यहाँ पे ऊपर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो गाइस यहाँ पे पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी बस से आता आते मेरा सिर दर्द करने लगा, दोनों का सिर दर्द कर रहा है। फिलहाल अभी यहाँ से जानते हैं सोनप्रयाग, पैदल जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से गौरीकुंड के लिए कोई तो मिलेगा साधन, टेम्पो वगैरह कुछ तो मिलेगा। और गाइस अभी इतना ट्रैवल करके आके अभी पैदल चल के थोड़ा अच्छा लग रहा है और यहाँ पे सुकून बहुत है क्योंकि यहाँ पे पानी की आवाज़ भी आ रही है, जो नदियाँ बह रही है ना उसकी आवाज़ आ रही है, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे। फिलहाल बस में तो मेरा सिर दर्द करने लग गया था लेकिन अभी फ़िलहाल तो ठीक है, हो गया ठीक। गाइस अभी पानी पीते हैं और ये देख लीजिए गाइस, ये जाने का सोनप्रयाग जाने का रास्ता है। हम यह सीताबाड़ी में उतरे थे जहाँ से हमने पानी की बोतल ली और यहाँ पे पानी की बोतल 30 रुपए की मिल रही है और बोल रहे हैं कि जब आप ऊपर जाओगे केदारनाथ तो वहाँ तो पानी की बोतल 100-100 रुपए की मिलेगी आपको। तो गाइस वही है, बस वही ट्रैवल करके ऊपर आते हैं तो फिर वही सारी कीमत वगैरह बढ़ जाती है। तो गाइस सुकून तो मिल रहा है यहाँ पे,
मस्त मज़ा आ रहा है। और बाल लाल ख़राब हो गए हैं सब, फेस फेस का सब वाट लग चुकी है, लेकिन फिर भी अब क्या करें, मज़ा तो ले रहे हैं। और रोड देख लीजिए गाइस, यहाँ पे कितना टूटा हुआ रोड। जामुन दे। तो ये गाइस टूरिस्ट बस जा सकती है यहाँ पे। तो गाइस ये देख लीजिए, ये जो मैंने आपको बसें बताई वो टूरिस्ट बस है। तो टूरिस्ट बस के लिए जाने के लिए परमिशन है यहाँ पे, लेकिन वो जो बड़ी बस जिसमें हम आए बोले कि उसकी पार्किंग है नहीं उधर, तो वो फिर आगे नहीं जा सकती। तो फिलहाल हमें सीतावाड़ी में उतारा, और वैसे तो ड्राइवर ने बोला था उन्होंने, जो यहाँ पे गार्ड वगैरह जो पुलिसमैन लगे हुए थे उनको बोला था कि आगे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, फिर भी रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने बोला कि आगे पार्किंग वगैरह नहीं है इसलिए। और हमारा टिकट तो वैसे ही गौरीकुंड का कट चुका है 150 रुपीज़ का, तो अभी आगे जाके और रुपए देने पड़ेंगे हमें, तो गौरीकुंड के लिए और पैसे लगेंगे अभी आगे। तो फिलहाल देखते हैं। वैसे हम आए थे रुद्रप्रयाग से हम आए, ये सीतावाड़ी है आई थिंक, तो रुद्रप्रयाग से हम सीतावाड़ी आए, तो एक जन का लगा 150, मतलब दोनों का 300 रुपये लगा है। और अभी आगे गौरीकुंड में, यहाँ पे सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने में कितना लगता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पे मुझे थोड़ी ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। हेलो मंट पैदल से ही लग रही है। और ये गाइस देख लीजिए यहाँ पे नदी कितनी शानदार लग रही है, यहाँ पे ये पहाड़, ये बसें आ रही है यहाँ पे। तो गाइस ज़्यादा यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं क्योंकि हमें आगे बहुत ट्रेवल करना है, इसलिए फिलहाल अभी निकल रहे हैं यहाँ से। रबी दुकान का मुझे यार रबी महेंद्र भाई रबी कम बाहर था ज़्यादा नहीं पड़ी तो कैसे कैसे। तुम्हारा वो पीछे का भी है ना, फिर उसी मतलब उसी उस पर भी ऐड होगा ना जो पीछे से है, पीछे से 1.5 किलोमीटर का उधर से लाया ना मैं आपको। यहाँ का यहाँ से तो 50 रुपया मेरे भाई, यहाँ से चलेंगे वहाँ से लगा दो आप 1.5 किलोमीटर का। दो बंदे मेरे हल से बैठ देना, तो वहाँ से कोई लाता नहीं है, सब पैदल यहाँ से। बाबू क्या दो बंदे को 150 रुपये हिसाब से चलते, 75 रुपये पर सवारी। 75 रुपये पर सवारी, 5 रुपये कहाँ है यार, 10 रुपये यार भाई बच्चे। हमने तो तुम ही कर ले, हमने भी तो दो दो है, 150 देंगे 150 हम देंगे, हमने भी तो एडजस्टमेंट की है, आप भी कर ले यार भाई, वहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। और ले 150 रुपये दे दे, थोड़ा मोटा आप ही कर ले यार, बाबू बंदे यार तो बहन जाएंगे। चले चल चल चलो भैया हर हर हाय। कोई पूछेगा ना बता देना गुप्त काशी से आए हैं हम इस गाड़ी में।
ठीक है गुप्त काशी जी गुप्त काशी भाई जी यन मकन के वोण गुप्त काशी गौर घूम है भाई चलो तब मिलना है बुआ ये यहीं की भाषा यार पहाड़ी पहाड़ी भाषा गाइस प्रॉपर गौरीकुंड में हमें नहीं उतारे गए और ये बीच में कोई तो लोकेशन है तो बोल रहे हैं कि आगे वो वहाँ तक पूरा लंबा जाम लगा हुआ है इसलिए गाड़ी यहीं पे रोक दी है और हमें अभी यहाँ से जाना है। किधर गया तो जाना है भैया आपको 150 रुपये लगेगा भाई कहते हैं मैं मतलब हमारे भी क्या जा रहा है पता ठीक है ना हो जाएगी दिक्कत यहाँ से तो यार दूर होगा ना। अरे ये यार बोल्ट ये तुम्हारे सामने लगा हुआ गाड़ी बोल्ट की जाएगी बस ये लास्ट में भेजे ही मार के यहाँ से जाओ गर्म कुंडे वहीं पर नहा नुहा के अपना आराम से जाना कोई दिक्कत गर्म कुंड गर्म पानी आएगा थोड़ा वो है ना तालाब टाइप का मैंने अगर है मूड तो मैं जाएगी तब तक शाम हो जाएगी 20-40 तो गाइस कुछ इस तरह से ये लोकेशन देख लीजिए यहाँ की बैग है भैया बैग ले ओके तो भाई यहाँ तक आए तो हमारे एक दिन का 75 लग गया और जो कि ज़्यादा कोई था नहीं सिर्फ नहीं डंडी नहीं चाहिए क्या करो डंडी का तो भाई जब भी देखते हैं ये डंडी लेने के लिए बोल रही थी शायद आगे काम आएगी तो लकड़ी मांड जरूरत तो रहे लकड़ी की। तो गाइस आगे बहुत लंबा जाम हो रखा है और मेरा फेस वगैरह पूरा खराब हो रखा है और यहाँ पे देख लीजिए झरना बह रहा है तो लाठी के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर फिलहाल मैं लेने वाला नहीं हूँ लाठी क्योंकि मेरे हाथ में एक ऑलरेडी है स्टिक आगे अगर जरूरत पड़ी तो लेनी पड़ सकती है। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए ये ट्रक फंसा हुआ है यहाँ पे तो काफ़ी लंबा जाम है इसलिए आगे नहीं जा सकते हैं।
गाइस काफ़ी स्ट्रगल करके हम आ चुके हैं और हमें जाना है उस बोट तक, तो बोल रहे हैं कि उस बोट से वो चालू हो जाएगा, बोल रहे हैं कि बोट से वो मार्केट चालू हो जाएगा ग्वारीकुंड का। फिलहाल वहाँ तक चलते हैं, फिर ग्वारीकुंड में जाके हमें ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह करना। अंकल एक सेकंड रुको, ड्राइवर अंकल एक सेकंड, फिलहाल देख लीजिए ट्रैफिक कितना लंबा लगा हुआ है यहाँ। वो सामने पूरा आगे तक वहाँ तक ट्रैफिक लगा हुआ है। और जिस गाड़ी में हम आए थे तो वहाँ पे जो पुलिस वाले चेकिंग करवा रहे थे वहाँ पे बोल रहे थे कि नेपाली लड़के का कुछ, तो नेपाली लड़के को ढूंढ रहे थे। और मैं सब इतना सा चढ़ा हुआ, मेरी सांस फूल गई। हाँ मिली, मिली केदारनाथ में, मिली वारीकुंड में, केदारनाथ में मिली। तो गाइस ये देख लीजिए, यहाँ से ये केदारनाथ 16 किलोमीटर है, वो भी पैदल चलने के लिए, NH 109। गाइस फिलहाल अभी हम चल रहे हैं पैदल, और GoPro को मैंने चार्ज कर लिया था तो काफ़ी अभी काम आ रहा है। वैसे ग्वारीकुंड में जाके और चार्ज करना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है मेरी हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हो गई है, सांस की भी कमी आ रही है, फिर भी ठीक है। और ये देखिए झरने वगैरह, यहाँ से ऊपर से वो वहाँ तक झरने आ रहे हैं और पूरा पहाड़ी पहाड़। ये देख लीजिए वो वहाँ से ऊपर तक लोग पैदल जा रहे हैं, तो हमें भी वहाँ ऊपर पैदल जाना पड़ेगा। सबसे मेन बात तो ये है कि हमारा ये सामान, ये लेके हम कैसे चढ़ेंगे, कोई बड़ी बात है क्योंकि बहुत भारी है हमारे पास सामान। सर्दी का जैकेट वगैरह सब रखा हुआ है इसलिए बहुत भारी है। और फिलहाल तो अभी कहीं लंच वगैरह करेंगे। मेरी सांसें बस इतनी देर में, मेरी सांसें इतनी फूल गई, वहाँ तक जाऊँगा तो, और ऊपर से ऑक्सीजन की कमी है। तो गाइस अभी हम कहीं लंच करेंगे, लंच करने के लिए रुकेंगे ना, तो फिर उधर मैं आपको वापस कंटिन्यू करूँगा ब्लॉग को। तो फिलहाल अभी मैं जाता हूँ। और यहाँ पे क्या नींबू पानी है क्या, ऑरेंज चिकन जी जूस, 8 घंटा। ये गाइस देख लीजिए, यहाँ से आपको खच्चर भी मिल जाएगा, पूरा ट्रैक खच्चर पे कर सकते हैं। ये पर्सनल भी, कितने का अंकल पर्सनल, कितने पैसे लेते हो, कितना लिया भाई, हाँ एक जन का कितना लेते हो आदमी का, हाँ आदमी का तो वेट देख के मैं सकता भी नहीं, कितना नहीं जाता, हाँ वेट देख के बता, मैं बुढ़ा आदमी का था नहीं, वो ऐसे छोटे बच्चों का वगैरह, छोटे बच्चों का 3000, कितना लेते, 3000 लेते। और ये घोड़े वाला 2500 लेते, और बूढ़ों को ले जाते हो, हाँ अच्छा ठीक है। तो गाइस ये पिट्ठू देख लिया, तो ये पिट्ठू में आदमी छोटे बच्चों को और बूढ़ों को ले जाता है, तो वो लेता है 3000। और जो खच्चर थे, खच्चर के हैं एक आदमी के 2500 रुपये केदारनाथ जाने के लिए। तो फिलहाल अभी मैं चलता हूँ, और एक डंडी लेनी पड़ेगी मुझे भी, डंडी लेनी पड़ेगी मुझे, डंडी कौन वाला घर नहीं जाएगा, करे नहीं ले जाओ। तो गाइस
फिलहाल अभी मिलता हूँ मैं आपको ऊपर। और ये मेरा टी शर्ट चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है मुझे, इसलिए अभी मैं टी शर्ट चेंज करूँगा थोड़ी देर बाद में। नाश्ता वास्ता करके खाना वाना खा के टी शर्ट चेंज करूँगा फिर आगे चलेंगे। फिलहाल अभी बजे है 12:45, मतलब 1 बजे तक हम ट्रैक चालू करेंगे।